सभी खबरें। जिले में लगातार बढ़ते जा रहे कोरोना संक्रमण के मामले, कल और आज दोपहर तक मिले 81 नए संक्रमित मरीज, इसके साथ ही संक्रमितों की संख्या हो गई 1267, जिसमें 733 लोगों ने दी है कोरोना को मात। दो लोगों की अब तक हो चुकी है मौत, 532 लोगों का चल रहा है उपचार। बाबूबरही में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने एक दिन पूर्व मनाया रक्षाबंधन। दोनवारी हाट स्थित चेतू महतो जनता महाविद्यालय में छात्राओं ने छात्रों को राखी बांधकर भाई बहन के पवित्र रिश्ते का दिया संदेश। फुलबरास के धमडीहा पंचायत में पीसीसी सड़क का विधायक गुलजार देवी ने किया शिलान्यास। मौके पर आयोजित कार्यक्रम में विधायक ने कहा कि सीएम नीतीश के न्याय के साथ विकास का सभी वर्गों को मिला लाभ। बिस्ती में बाढ़ से चारों तरफ घिरे लोगों को समाज सेवी आरिफ जिलानी अंबर ने पीड़ितों को नाव से पहुंचाया राहत। बिस्ती में कई गांव है पूर्ण रूप से बाढ़ की चपेट में। मुश्किल की इस घड़ी में समाज सेवी आरिफ जिलानी अंबर द्वारा आर्थिक मदद की हो रही है प्रशंसा। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के खिलाफ भड़क रहा जनाब। नहीं रहे अंधड़ अखाड़े में जमेला के समाज सेवी फैयाज अहमद। दिग्गज समाज सेवी स्वर्गीय बदरुद्दीन साहब के पुत्र थे फैयाज अहमद। शोक संवेदनाओं का लगा ताका। 3 अगस्त सोमवार को मनाया जाएगा रक्षाबंधन। भाई बहन के बीच पवित्र और अटूट बंधन का महापर्व है रक्षाबंधन। श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन हर साल मनाया जाता है भाई बहन के बीच पवित्र और अटूट बंधन का महापर्व रक्षाबंधन। फुलबरास थाना के 8 पुलिसकर्मी मिले कोरोना संक्रमित। रैपिड एंटीजन किट से 40 लोगों की हुई जांच में थाना के 8 पुलिसकर्मियों का आया रिपोर्ट पॉजिटिव। पुलिस कर्मियों के संक्रमित होने से मचा हड़कंप। अस्पताल उपाधीक्षक ने पुलिस कर्मियों के संक्रमित होने की पुष्टि। कोरोना से मधुबनी में तीसरी मौत। लोकी में किराना दुकानदार की कोरोना से हो गई मौत। पत्नी और बच्चे सहित 10 लोग पाए गए पॉजिटिव। संपर्क के 23 लोगों की हुई जांच और 35 लोगों का अभी कराया जाएगा जांच। रक्षाबंधन के अवसर पर सिंथेटिक दूध से बने रेडीमेड मिठाइयों से रहे सावधान। जिला मुख्यालय सहित सभी प्रखंड अनुमंडल के बाजारों में बिना फूड लाइसेंस के चल रही मिठाइयों की दुकानों में धड़ल्ले से सिंथेटिक दूध से बनी मिठाइयां स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। ये मिठाइयां नकली मिठाइयों से बचने के लिए मोतीचूर का लड्डू है अच्छा विकल्प। बेनीपट्टी में रविवार को मिले 6 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज। रैपिड एंटीजन किट से हुई जांच में जिन 6 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं उनमें दवा दुकानदार सहित पीएससी कर्मी भी है शामिल। मधुरापुर में कोरोना संक्रमण का प्रसार जारी। रविवार को मिले 5 नए कोरोना संक्रमित मरीज। सीएससी प्रभारी डॉक्टर कामेश्वर महतो ने बताया कि आज 30 लोगों की हुई जांच जिसमें 5 मिले पॉजिटिव। बेनीपट्टी के सर्किल पुलिस इंस्पेक्टर कार्यालय में सभी एसएचओ के साथ हुई मासिक क्राइम मीटिंग। इंस्पेक्टर राजेश कुमार ने लंबित कांडों की समीक्षा कर पुलिस अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश। घुमड़िया थाना पुलिस ने 25 लीटर शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए शराब के साथ धराए कारोबारी को भेजा गया जेल। झंझारपुर में कमला नदी का बढ़ा जलस्तर। पानी खतरे के निशान से करीब 1.80 मीटर ऊपर है। कटाव निरोधी कार्य युद्ध स्तर पर जारी। मौसम विभाग ने सूचना जारी कर अलर्ट रहने की दी है चेतावनी। लखनऊ प्रखंड के कछवी पंचायत के दर्जनों राशन कार्ड धारियों ने मुखिया के घर पहुंचकर किया हंगामा। वैश्विक महामारी कोरोना आपदा को लेकर सरकार द्वारा घोषित खाता में 1,000 रुपए नहीं मिलने से आक्रोशित लोगों ने मुखिया के घर को घेराव कर किया हंगामा। नगर पंचायत झंझारपुर में बंदरों के आतंक से मुक्ति के लिए कार्रवाई शुरू। नगर प्रशासन के द्वारा वन प्रमंडल दरभंगा को दिए गए आवेदन के आलोक में पुरानी बाजार से बंदरों को पकड़ने का काम शुरू। अब देखते रहिए चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज।